तो अभी एक रिपोर्ट देखने वाले जिसमें एक इंडियन लड़का नेपाल आया हुआ है और नेपाल के अंदर नेपाली लड़कियों ने उसके साथ क्या सलूक किया, रिपोर्ट देखेंगे, रिएक्शन देंगे, एक व्लॉग है, एक ब्लॉग के ऊपर रिएक्शन देंगे कि नेपाल की लड़कियों ने इंडियन लड़के के साथ क्या किया। तो ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो जो हमको वहां मिली थी वो मिली, तो नेपाल की लड़कियां ना भाई साहब बब्बाल हैं, धमाल हैं, ऐसे प्रमोशन करवाते हैं अपना। अपन नेपाल में पहली बार आए हैं और ऐसी प्यार मिलता रहा ना तो हर साल नेपाल के अपने एक एक महीने के ट्रिप होंगे। अपने को यहाँ पे बिल्कुल जागेश्वर वाला फील आ रहा है। जागेश्वर भी कुछ इस तरीके से आप शिव जी के बहुत सारे ना छोटे छोटे मंदिर थे वहाँ पे, इनके नीचे जो आपके भिक्षु होते हैं, जो बुद्धिस्ट होते हैं, उनकी बॉडीज होती हैं। तो ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है नेपाल में कि मैं पूरे पूरे नेपाल को इस स्वयंभू से ना बिल्कुल एकदम साफ देख सकता हूँ। हम किसी से भी कुछ पूछ रहे हैं उसे कुछ ही नहीं पता है। तो भैया जी क्या हालचाल? बढ़िया। तो कैसे हैं आप? तो भैया हम हैं आपके दोस्त रोहित पहाड़ी और हम अभी हैं आपका नेपाल में। तो कल हमने आपको काठमांडू शहर में पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन कराए, तो अभी हम आज इस होटल में रुके हुए थे, दिन की शुरुआत कर रहे हैं और होटल को चेकआउट करके यहां से निकल रहे हैं एक नई लोकेशन में। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे इस नए ब्लॉग में। होटल के नीचे आगे रिसेप्शन पे और हमारे भाई साहब थे, बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, धन्यवाद। अभी निकलते हैं नेपाल घूमने के लिए, तो दोबारा आएंगे, मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी। तो भैया जी चलो अपने होटल से हम लोग निकल गए हैं बाहर। तो अभी यार मॉर्निंग के टाइम पे ना नेपाल का बाजार कुछ ऐसा है भाई, वो वाला रोड है जहाँ पे भी मैक्सिमम से मैक्सिमम नाइट क्लब्स इसी रोड पे हैं। यहाँ पे नाच घर लिखा हुआ है या नेपाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो हम तो अभी तक नाइट लाइफ का मजा नहीं लिया है, कोशिश करेंगे कि आने वाले कुछ ब्लॉग्स में आपको नेपाल की नाइट लाइफ भी घुमाई जाएगी। हम हैं अभी आपका नेपाल के माछा पोखरी शहर में, वैसे काठमांडू शहर है और ये लोकेशन का नाम है माछा पोखरी। तो हम आज माछा पोखरी से जाने वाले हैं आपका स्वयंभू। मैंने अभी यहाँ कुछ लोगों से पता किया था, तो यहाँ पे ना 5 से 10 लोकेशन ऐसी हैं काठमांडू के अंदर जो घूमने के लिए हैं, बहुत ज़्यादा मतलब चर्चित जगह हैं, मतलब कहने का मतलब है कि टूरिस्ट प्लेस में आती हैं आपका, जैसे स्वयंभू हो गया, थामेल हो गया, आपका बौद्धनाथ हो गया। भाई यार मैं अभी काठमांडू की गलियों में घूम रहा था तो यहाँ पे कुछ लोग मिले, तो मैंने आपसे कहा था ना कि बैग के पीछे जो मैंने अभी स्टिकर लगवाया है काठमांडू से ही, इसका बहुत बड़ा फायदा क्या है कि जो लोग अपनी वीडियो देखते हैं ना वो अपने को पहचान जाते हैं। तो यहाँ काठमांडू से कुछ लोग मिले हैं, अब देखते ही नहीं देखते इनको पता होगा, बट बैग के पीछे देखने के बाद भाई लोग मिले, आए, बात करा, अच्छा लगा। तो आप लोग कहाँ स्कूल जा रहे हो क्या? नहीं अभी कॉलेज से लौट रहे, इतना सब्सक्राइब कर दो कि भाई को इतना आसमान में गिरा दो, आसमान से भी गिरा दो। तो 22 लोग बता रहे हैं सामने से कुछ बस मिल जाएगा, क्योंकि यार अपन नेपाल में पहली बार आए हैं और ऐसी प्यार मिलता रहा ना तो हर साल नेपाल के अपने एक एक महीने के ट्रिप होंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी बसें आपको मिल जाएंगी। तो भाई माछा पोखरी के इस चौराहे से ना अपने को स्वयंभू के लिए बस मिल गया है। ऐसा है आपका काठमांडू के माछा पोखरी से ना हमको स्वयंभू के लिए ये बस मिल गया है, और स्वयंभू यहाँ से ज़्यादा नहीं 5 से 6 किलोमीटर का सफ़र है। और ऐसा कुछ है आपका नेपाल की बसों का नज़ारा। आपका माछा पोखरी से बस ने हमको छोड़ दिया, आपका इस स्टॉप पर छोड़ा हुआ है, सामने एक गेट है, अंदर एक बुद्ध मंदिर है मतलब, और ऊपर पार्क भी लिखा हुआ है। वैसे निकला तो मैं था आपका स्वयंभू जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे ना बुद्ध की 3 बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगाई हुई हैं, और ये किसी ने मुझसे कहा कि बुद्ध टेंपल है और किसी ने मुझसे कहा कि बुद्ध पार्क है। तो यहाँ पे मुझे एक स्ट्रक्चर सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ना एक पहाड़ी टाइप की बनी हुई, पहाड़ियों पर ना बहुत सारे घर टाइप से बने हुए हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब ये पता नहीं क्या दर्शाते हैं, मुझे इसके बारे में शायद इतना पता है नहीं, बट ऊपर ना पहाड़ के ऐसे टापू टाइप के बने हैं और टापू बिना बहुत सारे घर ऐसे दर्शाए हुए हैं। गौतम बुद्ध यहाँ कहाँ कहाँ गए होंगे और कहाँ कहाँ उन्होंने स्टे किया होगा। तो भाई हमने आपका जो बौद्ध धर्म वाला मंदिर है ना वो तो देख लिया, वहीं से आपका स्वयंभू के लिए एक रास्ता जाता है इस तरीके से। ये द्वार है पुराना, इस पर लिखा है आपका सरस्वती अखाड़ा अखड़ा। भाई मैं ज़्यादा तो नहीं 500-600 मीटर के ऊपर नहीं आऊँगा अभी ना, यहाँ पे एक लाइब्रेरी टाइप की है, यहाँ पर लिखा हुआ है गीता अध्ययन मंडल। हम अभी ये स्वयंभू वाला ट्रैक कर रहे हैं और अभी तो ना बिल्कुल केदारनाथ वाला फील आ रहा है। आप ये देखो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इस तरीके से, लगभग पहुँच गए स्वयंभू के टॉप पर, और सामने आपको दिखाई देगा उधर ठीक सामने मेरी उंगली के वो पीक है वहाँ से, और ऐसा बोलते हैं ना कि वहाँ से पूरा काठमांडू ना एकदम साफ दिखाई देता है। तो भाई फाइनली एक लंबा चौड़ा ट्रैक करने के बाद हम आपका पहुँच गए स्वयंभू द्वार पे। स्वयंभू के बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से नज़ारे स्वयंभू के कुछ ऐसे हैं, देखो
भैया अपने सामने आप देख रहे हो ना, कुछ लोग क्या कहते हैं आपका सिक्का निकाल के ना इसमें फेंक रहे हैं, सामने जो कलश टाइप का बना हुआ है। अब इसके पीछे वजह क्या है वो तो यहाँ के लोगों से बात करने के बाद ही पता चलेगा। डालते हैं इसमें से, ये इसकी क्या वजह है? आशीर्वाद देता है। सिक्का चला जाएगा तो क्या होगा? आशीर्वाद हो जाएगा। अच्छा, बुद्ध का आशीर्वाद। कॉइन यहाँ से मिल जाएंगे। कितने के मिलते हैं मैम कॉइन? 10 का 8 मिलता है। तो एक बड़ा सा घंटा ना यहाँ पे लगा हुआ है, इस पर ना काफी कुछ लिखा हुआ है। तो स्वयंभू का ट्रैक करते करते यहाँ के कुछ नेपाली लोग मिले हैं, लोकल नेपाल के। तो मैं यहाँ के बारे में जिससे ही पूछ रहा हूँ ना, तो बहुत कम लोगों को पता है। तो कुछ अम्मा लोग भी आ रहे हैं। तो भैया क्या क्या पता है आपको यहाँ के बारे में? कुछ पता है? हमको यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता है। कुछ नहीं पता है सच में? भाई अपनी को ज़्यादा नहीं पता है, इसलिए अपन क्या है सिनेमेटिक शॉट ले रहे हैं यहाँ के कुछ बढ़िया बढ़िया से, ताकि आपको फील कराया जाए कि हम अभी कहाँ पे हैं। तो भाई स्वयंभू में ना थोड़ा सा ऊपर आने के बाद ना अपने को यहाँ पे बिल्कुल जागेश्वर वाला फील आ रहा है। जागेश्वर भी कुछ इस तरीके से आपका शिव जी के बहुत सारे ना छोटे छोटे मंदिर थे वहाँ पे, 108 मंदिर। और यहाँ पे ना ऐसे ही गौतम बुद्ध के भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टेम्पल बनाए हुए हैं। अब इनका क्या मतलब है और ये कहाँ कहाँ के, मतलब जैसे वहाँ पे आपका जागेश्वर में है ना, तो जागेश्वर में सारे मंदिरों का एक, सारे भगवानों के अलग अलग मंदिर हैं, तो यहाँ पे भी शायद इसका ऐसी कुछ मतलब होता होगा। अभी देखते हैं, अगर कोई मिलेगा लोकल तो उनसे पूछेंगे कि ये इतने सारे स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। और यहाँ पे जो आप छोटे छोटे से स्मारक टाइप के देख रहे हैं ना, छोटे टेम्पल टाइप के देख रहे हैं, तो ऐसा मैंने भी किसी से पूछा था कि जो चीज़ें हैं ना इसमें क्या कहते हैं इनके नीचे बॉडी होती है, ऐसा मुझे लोगों ने बताया है। ये मेरा अपना ओपिनियन नहीं है, मुझे लोगों ने बोला कि ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं इनके नीचे जो आपके भिक्षु होते हैं, जो बुद्धिस्ट होते हैं, उनकी बॉडीज होती हैं इनके नीचे। आपको बता रहा था ना कि स्वयंभू क्या है आपका काठमांडू के ना बिल्कुल सेंटर पे है, और यहाँ से ना चारों ओर काठमांडू शहर बिल्कुल साफ दिखाई देता है एकदम से। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा नज़ारा रहता है स्वयंभू से काठमांडू का। पूरा काठमांडू भाई साहब कितना खूबसूरत दिख रहा है यार, गजब भाई। आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है नेपाल में कि मैं पूरे नेपाल को इस स्वयंभू से ना बिल्कुल एकदम साफ देख सकता हूँ। और अगर आपको ना एक जगह पे बैठ के पूरा काठमांडू देखना है, अगर आपको एक जगह पे बैठ के पूरे काठमांडू शहर के चारों साइड देखना है ना, तो आप स्वयंभू आ जाइए। तो भाई जी हमको भी आपका स्वयंभू से मिल गए हैं कुछ लोग। आप नेपाल से? हाँ, नेपाल। मेरा चैनल पे वीडियो देखा होगा तो भाई बोल रहा है कि हमने आपको देखा है, तो चलो एक बढ़िया सा फोटो शानदार सा मुझे भी इंस्टाग्राम पे टैग कर देना। ओके, जो ये स्वयंभू है यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो आपका यहाँ पे मैया की एक मूर्ति है जो पीछे आगे थी, और इधर ठीक सामने भी आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपका एक गौतम बुद्ध जी की बड़ी सी प्रतिमा है इसके अंदर। तो चलते हैं एक बार दर्शन करके आते हैं यहाँ। इस तरीके से अगर आपको मैं दिखाऊंगा ना, तो आप देखेंगे कि शाम की पूजा की तैयारी के लिए ना इधर दिए जलने की शुरुआत हो चुकी है। तो ये ना इस तरीके से दिए में तेल भरा जा रहा है ताकि शाम को जो लोग डालडा। तो ये क्या ना, शाम को अगर कोई यहाँ पे आते हैं उनको दिए जलाने का मतलब ऐसे कुछ पूजा करने का चाहिए होता है, तो वो लोग इनको परचेस कर लेते हैं। कितने का पड़ता है अंकल जी दिया? 10 रुपया। आपको ना स्वयंभू में आपका गौतम बुद्ध की जो मूर्ति है और मैया की जो मूर्ति है, उसके अलावा आपको देखने के लिए मिल जाएगा एक स्तूपा मिल जाएगा, बिल्कुल ठीक सामने आप मेरे देख पा रहे होंगे, शांति स्तूपा। क्या बात है यार भाई, कैसा लग रहा है बताओ ना, गजब लग रहा है। यहाँ पे ना आपके यहाँ पे नेपाल में ना हम जिससे कुछ पूछ रहे हैं उनको किसी कुछ पता है नहीं, हम किसी से भी कुछ पूछ रहे हैं उसे कुछ ही नहीं पता है। मैं जब यहाँ स्वयंभू आया तो मैंने पूछा स्वयंभू के बारे में कुछ बताओ, तो दो लड़की बोली हमें नहीं पता, दो लड़के बोले हमें नहीं पता। तो 8 से 9 लोगों से मैं पूछा हूँ यहाँ के बारे में, बट किसी आपको स्वयंभू के बारे में क्या पता है बताओ। घूमने तो यहाँ पे स्वयंभू है ना नेपाल में, देखो जितने भी लोग मिल रहे हैं ना किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है, बस सब ऐसे ही घूम रहे इधर। हाँ जी, क्या है?
अच्छा आपका घर यहाँ आस पास पड़ता होगा तो डेली बेसिस में आते हैं या कभी कभी? कभी कभी। तो यहाँ पे आसपास आपने जो बता दी चीज़ें हनुमान क्या हनुमान ढोका हनुमान ढोका यहाँ स्वयंभू के पास कितना पास पड़ता है पास आधी घंटा बस मिलेगा या ऑटो टैक्सी टैक्सी तो भाई ये हमें कुछ नेपाल के कुछ लोग मिले सुस्मिता चौधरी सुस्मिता सिंह हमारी हीरोइन है हमारी इंडिया की हाँ सिंह हम कभी सुस्मिता सिंह से तो मिल नहीं पाए बस सुस्मिता सिंह से मिल गए नेपाल के अंदर तो चलो भैया ये था हमारा स्वयंभू का वीडियो आई होप कि आपको पसंद आएगा ये तो इंडिया वालों आपको देख रहे हो इतना सारा प्यार मिल रहा है तो अपना प्यार में कमेंट सेक्शन में आप भी नेपाल वालों को ढेर सारा प्यार दे सकते हो नहीं वो हमें जो हमको वहाँ मिली थी वो थी टिकटॉक स्टार तो नेपाल की लड़कियाँ ना भाई साहब बब्बाल हैं धमाल हैं और अभी जहाँ मैं चीसा पानी गया था ना तो चीसा पानी में भी बहुत सारी लड़कियाँ मिली थी तो ये भी उसी चीसा पानी के लोग हैं बर्दिया नेशनल पार्क के गजब तो यहाँ पर टिकटॉक आपका चल रहा है बैन है हमारे इंडिया में तो बैन है स्मॉल यूजर ऐसे प्रमोशन करवाते हैं अपना इधर हमारे बैग के पीछे लिखा है भाई इधर हमारी सुस्मिता से फोटो खींच रही है इधर तो भाई जी आज की हमारी ये जो पूरी यात्रा थी ये थी आपके स्वयंभू की और स्वयंभू का मतलब होता है जो स्वयं जमीन से निकलता है उसे जो भू से स्वयंभू मतलब जमीन से स्वयं तो यहाँ पे ना आपका स्तूपा भी था और आपके राजा रानी के टेम्पल्स भी थे और बहुत सारे मॉन्क्स की ना समाधियाँ भी थी जो छोटे छोटे